डॉक्टर लाल रत्नाकर की एक कविता सुनिए। बेसिकली मैं कवि तो नहीं हूँ, गुरुजी को सुनते सुनते थोड़ा लाइनें जोड़ना आ गया है। और चूँकि हमारी जो मित्र मंडली है उसमें लोग लिखते रहते हैं, जी जी जी, तो चलिए। आप तूने अकूत ताकत अर्जित की है यह कौन नहीं जानता, तूने अकूत ताकत अर्जित की है यह कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत लोग यह नहीं जानते कि इस अकूत ताकत के पीछे का रहस्य क्या है। लेकिन बहुत लोग यह नहीं जानते कि इस अकूत ताकत के पीछे का रहस्य क्या है। क्या सचमुच यह ईमानदारी से अर्जित की हुई ताकत है कि क्या यह सचमुच ईमानदारी से अर्जित की हुई ताकत है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। यह षड्यंत्र कब तक चलता रहेगा इसको भी कोई नहीं जानता। कोई यह भी नहीं जानता कि तुम्हारा यह रूप और लिबास कितना वास्तविक है। भेष बदल कर तुमने कमाल कर दिया है, भेष बदल कर तुमने कमाल कर दिया है। अकूत ताकत को छुपाने का यह बहुत अच्छा लिबास है, अकूत ताकत को छुपाने का यह बहुत अच्छा लिबास है। एक छोटी सी और दो लाइनें अभी मैंने कल ही लिखी थी। भक्ति चरम पर हो, शर्म न अधर्म पर हो, कर्म और गौर करिए आपने कितना काम ईमानदारी का और कितना बेईमानी का ध्यान रखकर किया है। आपने कितना काम ईमानदारी का और कितना बेईमानी का ध्यान रखकर किया है। कल जब आप कह रहे थे ना कि कई बातें इसमें मुझे नहीं पता थी, और अभी वही आप कह रहे थे कि छल किया गया है, तब सब समझ में आ जाएगा कि आप डरते क्यों हैं। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद उनका अधिकार नहीं था, यह तो आपकी कमजोरी का नाजायज लाभ ले रहे हैं सदियों सदियों से जनाब। आपको डराकर धर्म भीरु बनाकर, आपको डराकर धर्म भीरु बनाकर। धन्यवाद सर।